नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आईबेक्स स्टडी में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग की क्लासेस। तो रीजनिंग की क्लासेस जो स्टार्ट हो रही हैं, यहाँ पर हम पहला चैप्टर लेकर आएंगे जिसमें है सीरीज कंप्लीशन, और ये लगातार आपकी चलती रहेगी रीजनिंग की क्लासेस एक के बाद एक। तो आप अगर पूरा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा रीजनिंग बैच जरूर ज्वाइन करें तो, और इसको जरूर देखें, ठीक है। तो यहाँ चैप्टर वन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर है सीरीज कंप्लीशन। तो सीरीज कंप्लीशन में देखिए होता क्या है। सीरीज कंप्लीशन में क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में रीजनिंग के, उसमें होता यह है कि कई सीरीज दी होती हैं, सीरीज में क्वेश्चन दिए होते हैं और बीच में मिसिंग टर्म कर देता है या फिर रॉन्ग टर्म कर देता है, तो उनको फाइंड आउट करना होता है हमको। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो पहला एग्जाम्पल है देखिए 1, 6, 15 क्वेश्चन मार्क, 45, 66 और 91। देखिए एक सीरीज दी हुई है, इस सीरीज में है क्या 1, 1 के बाद 6, 6 के बाद 15, 15 के बाद क्वेश्चन मार्क एक लगा हुआ है, और 45 है, फिर 66 है, फिर 91 है। तो इसमें करना क्या है हमको, इस सीरीज में हमको इस क्वेश्चन मार्क की जगह यह फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा इन सीरीज में। तो हमेशा सीरीज कंप्लीशन में होता क्या है, कोई ना कोई एक पैटर्न बनता है, एक पैटर्न के तौर पर ही नेक्स्ट नंबर चल रहा होता है, वो पैटर्न हमको फाइंड आउट करना होता है, और इसके बाद उसी पैटर्न पर नेक्स्ट नंबर हमको जानकारी लेना है। तो देखिए यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है, कैसे आएगा क्वेश्चन और कैसे कैसे तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में है क्या, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे वो नॉर्मल है, वो क्या है, सब्सट्रैक्शन का। क्या है? सब्सट्रैक्शन। अब सब्सट्रैक्शन में करते क्या है, सब्सट्रैक्शन में हमारा काम ये है कि हम पहले दूसरे नंबर के बीच डिफरेंस काउंट करेंगे, इसके इसके बीच डिफरेंस काउंट करेंगे, और ऐसे ही सब नंबरों के बीच डिफरेंस काउंट करना चालू करेंगे। क्या हमारी इससे कोई सीरीज बन रही है, इसकी जानकारी हम लेंगे। अगर उससे बनती है कोई सीरीज तो हम उसी को फॉलो करके अपना नया नंबर जान लेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 और 6, अगर 1 और 6 है, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, अगर दोनों को सब्सट्रैक्ट किया जाए तो 6 में से 1 अगर हटा दिया जाए कितना बचेगा, 5। इसका मतलब क्या हो रहा है, पहला ये संख्या बढ़ रही है, पहले तो बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, प्लस हुआ। यहाँ पर क्या हुआ है, प्लस हुआ। 1 में अगर 5 को प्लस कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 6 आएगा। नेक्स्ट में आप 6 और 15 के बीच अंतर देखेंगे, 6 और 15 में देखिए 15 में से अगर 6 सब्सट्रैक्ट किया जाए तो कितना बचेगा, 9। और कितना, यानी 6 में प्लस का अगर हम 9 करते हैं तो कितना आएगा, 15। अगले में आपको इसके यहाँ पर तो निकालना ही है, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो इसका भी आपको पता नहीं है। अगले में चलते हैं, इस क्वेश्चन मार्क से 45 के बीच अभी आपको पता नहीं चलेगा, जब तक ये क्वेश्चन पता नहीं चलेगा, ठीक है। अगले में हम देखते हैं फिर से एक सीरीज में जब चलते हैं, तो यहाँ अगर डिफरेंस निकालते हैं तो 66 से 45 अगर निकालते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर 21, ठीक है। यानी कि अगर 45 में 21 ऐड किया जाए तो क्या आएगा, 66 आएगा। अब अगला डिफरेंस अगर निकाला जाए तो 91 में से अगर 66 घटाया जाए तो कितना आएगा, देखिए 11, 6, 5 और 8, 25, ठीक है। यानी कि अगर 25 इसमें ऐड कर दिया जाए तो 91 आएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ पैटर्न का काउंटिंग अगर पता चले, यहाँ तो नहीं पता हमको, एक टर्म यहाँ पर आया होगा, सॉरी एक टर्म यहाँ आएगा और एक टर्म यहाँ आएगा, दो, ठीक है, इसके बारे में भी नहीं पता। अब यहाँ पे आप देखिए प्लस 5 प्लस 9 है, यहाँ पे 21 और 25 है, अगर इन दोनों को बारीकी से देखें तो दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। फिर से हम क्या करते हैं, इस पैटर्न को फिर से कंटिन्यू करते हैं दोबारा, और कैसे करते हैं, 5 और 9, अगर इन दोनों का डिफरेंस चेक करें तो क्या हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4, यानी प्लस का 4 हुआ, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, देखिए 25 से 21, यानी प्लस का 4, तो यहाँ भी प्लस 4, यहाँ भी प्लस 4, दोनों जगह प्लस 4 हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हो ना हो प्लस 4 यहाँ पे सेकंड स्टेप में हमारा चल रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको एक इमेजिन करते हुए प्लस 4 को इसमें लगाते हुए अगला नंबर चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर ये फॉलो कर रहा है। अगर यह नियम फॉलो करता है तो इसका मतलब हमारे सीरीज में यही चल रहा है, ठीक है। तो आप देखिए जब पहला 5 प्लस 9 था, ठीक है,
ये अभी हटा देते हैं। देखिए प्लस फोर आया, इसका मतलब अगर हम यहाँ प्लस फोर करें तो कौन सी संख्या हो जाएगी, नाइन प्लस फोर थर्टीन, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा थर्टीन। और फिर अगर थर्टीन को प्लस किया जाए तो यहाँ क्या आ जाएगा सेवनटीन, सेवनटीन में अगर फोर प्लस किया जाए तो क्या ट्वेंटी वन आ रहा है, आ रहा है एग्जैक्टली। इसका मतलब है ये जो प्लस फोर की सीरीज चल रही है ये एकदम एग्जैक्टली सीरीज को हमारे फॉलो कर रही है, ठीक है। तो जब फॉलो कर रही है इसका मतलब हम इसी हिसाब से इसको चलेंगे। अब ये 13 ये 17 ठीक है आ गया, हमें पता चल गया कि इसके दोनों के बीच क्या होगा। अब ये 13 क्या था, देखिए ये 5 इन दोनों का डिफरेंस था, इन दोनों का डिफरेंस 9 है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 13 होगा, इसका मतलब प्लस कर रहे थे तो ये भी प्लस 13 होगा, यानी इसको और इसको हमें ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करके अगला नंबर पता करना है, यानी 15 और 13 कितना हो गया 28, ये 28 नंबर आ गया क्वेश्चन मार्क की जगह। अब इसको आप चेक कर लीजिए क्या ये अगला सही कर रहा है, तो 28 में जब 17 हम ऐड करेंगे तो देखिए 45 आ रहा है, ठीक है। यानी हमारी सीरीज क्या बनी 1, 6, 15, 28, 45, 66 और 91, ये हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर था। तो यानी आंसर क्या हो गया हमारा एक्स क्वेश्चन 28, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, नहीं आया एक बार फिर से और बता देता हूँ तेजी से, या दूसरा सवाल लेकर बताता हूँ, ठीक है। और भी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक, देखिए क्वेश्चन है 4, 7, 12, 19, 28 और क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब है कि 4 पहले दिया हुआ है, फिर 7 दिया हुआ है, फिर 12 दिया, फिर 19, फिर 28 और अगला क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले इन दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। यानी डिफरेंस जैसे ही निकाला तो कितना आया 7 + 4 = 3, यानी कितना इसमें हो रहा है प्लस 3 हो रहा है, आगे बढ़ रहा है प्लस, तभी ये बढ़ा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है तो 12 में से 7 गया कितना बचा प्लस 5, देखिए 5 आ रहा है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कितना आ रहा है 19 में से 12 गया प्लस 7, इसमें करेंगे तो प्लस 9। देखिए अब आपको दिख रहा होगा कि पहले 3 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया, तो सीधी बात अगला क्वेश्चन क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 11, यानी प्लस 11। इसी एक सीरीज में चल रहा था, दो दो बढ़ रहे थे। अब मैंने दूसरा इसलिए बताया था, थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेटेड आपको लगा हो पहला वाला कि क्वेश्चन दो बार क्या कर दिया इन्होंने, तो वो इसलिए कि देखिए पहले प्रैक्टिस में जब आप स्टार्ट करेंगे तो पहले आपको जानना बेसिक जरूरी है कि लास्ट तक आपका इक्वलिटी टर्म हो रहा है नहीं हो रहा है ये सीरीज। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे कई से क्वेश्चंस की तो आप वो टर्म ना निकाल कर यहीं से समझ जाएंगे। जैसे ये 3, 5, 7, 9 और यहाँ 11 समझ में आ रहा है तुरंत, अगर इसको हम ना समझ जाता तो देखिए 5 से इसमें करते तो प्लस 2 होता, 5 7 में प्लस 2 होता और यहाँ पे प्लस 2 होता, सेम वैसे ही हम यहाँ प्लस 2 करते तो प्लस 11 आ जाता, और प्लस 11 आ जाता तो 28 में 11 ऐड कर देते तो यहाँ क्या होता 39, ठीक है। तो इसलिए इस स्टेप को अभी तो आप समझने के लिए शुरुआत में समझ लिए, लेकिन बाद में अभी आपको क्या करना है इसी स्टेप पर निकालना आना चाहिए, और धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा स्टार्ट करना है कि क्वेश्चन को देखते ही समझ में आए, जिससे हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो, ठीक है। अभी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए आप इसी स्पीड से पहले सीखिए, पहले एकदम एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए, इसके बाद आपको टाइम पे ध्यान देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 6, 12, 21 क्वेश्चन मार्क और ये 48, ठीक है, एक ही क्वेश्चन है। तो इस पे जब चलते हैं तो देखिए पहला काम क्या करना है, हमें डिफरेंस देखना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, देखिए 6 आ रहा है इन दोनों के बीच में, इसके बीच में कितना आ रहा है 21 से 12 जब हटाएंगे तो कितना आएगा 9 हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा क्योंकि यहाँ पता ही नहीं अभी, और इन दोनों के बीच भी पता नहीं चल रहा, ठीक है। हमने जैसा बताया कि क्या यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, या तो आप 6, 9 जैसे हम कह रहे थे कि 6 के बाद 3 बढ़ा हुआ है तो 9 के बाद 3 अगला टर्म क्या होगा, ऐसे करके आप कर सकते हैं, यानी इन दोनों का डिफरेंस निकालिए तो 3 बचा, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए और इन दोनों के बीच भी 3 होना चाहिए, जैसा शुरुआत से क्वेश्चन कर रहे हैं सेकंड स्टेप में बराबर हो रहा है।
तो 9 और 3 कितना हो गया 12, और 12 और 3 15, ऐसा होना चाहिए। अगर ये सीरीज फॉलो करती है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। अब हम इसके हिसाब से देख लेते हैं कि 21 में अगर 12 ऐड कर दिया जाए तो यहाँ कितना हो जाएगा 33, तो 33 तो इसके हिसाब से आ गया, लेकिन अब क्या 33 में 15 ऐड करने पर ये आ रहा है, इसको चेक करिए 538 और 3148, यानी ये क्वेश्चन सही है एकदम। सीरीज कौन सी चल रही है, +3 +3 +3, ठीक है, तो ये +3 +3 ऐसे करके निकाल लिया आपने, ठीक है। चलिए एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताते हैं। ये तो देखिए बेसिक डिफरेंस वाले क्वेश्चन हो गए, और अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं वो डिफरेंस वाले से पकड़ में आ जाते हैं कि आपको क्या करना है। कई बार स्क्वायर भी आएगा तो ज़्यादा डिफरेंस आएगा, थोड़ा सा होगा तो थोड़े थोड़े डिफरेंस में आप पकड़ लेंगे, ठीक है। तो हम एक अगले टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो उसी टाइप में हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट लीजिए या रोक लीजिए, वीडियो को पुश कर लीजिए और इनको सॉल्व करिए, ठीक है। इनके बाद जो जो इन क्वेश्चंस का आंसर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स पर आप लिखिए कि क्या क्या आंसर आ रहे हैं, फिर मैं इसका आंसर आपको बताऊँगा, ठीक है। अगले वीडियो में आपको इनका आंसर जरूर दे दूँगा, तो आप इनके आंसर सॉल्व करें, इससे क्या होगा आपको प्रैक्टिस होगी, ठीक है। और कोई अगर आपके पास बुक है किसी भी प्रकार की, आर एस अग्रवाल की ज़्यादा से यूज करते हैं, ठीक है, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराइए। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन यहाँ पर उपलब्ध करा दूँ, जिससे आप हर प्रकार के जितने भी प्रकार के होंगे आप प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो इनको सॉल्व करिए, फिर मैं चलता हूँ दूसरे टाइप के वीडियो में आपको बताता हूँ, दूसरा टाइप चालू करते हैं। देखिए कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जिनका हम आंसर आपको